84 घंटे बाद भी जारी है और करीब 70 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। 100 फीट जो गड्ढा खोदा गया है उस गड्ढे में पाइप डालने का काम जारी है। सुरंग बनाकर महिला को निकालने की कोशिश, मंगलवार की रात 8 बजे बोरवेल में महिला गिरी थी और बावनवास इलाके के रामनगर डोसी गांव की ये घटना। तो महिला को अभी तक निकाला नहीं गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब 80 से 84 घंटे हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। रेस्क्यू के लिए 100 फीट का गड्ढा जो है वो खोदा गया है। अब गड्ढे में पाइप डालने का काम जारी है क्योंकि लगातार मिट्टी वहां पर गिर रही है, इसीलिए जो खुदाई का काम है वो भी बाधित हो रहा है। मंगलवार की रात 8 बजे बोरवेल में गिरी थी महिला, लेकिन अभी तक महिला को निकाला नहीं जा सका है। भारी तादाद आप इस स्थान पर देख सकते हैं कि लोग यहां पर जमा हैं और हर तरह की कोशिश की जा रही है। तो गंगापुर सिटी में बोरवेल से महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के पास गड्ढे की खुदाई की जा रही है, लेकिन अभी भी महिला को बोरवेल से निकाल पाने में प्रशासन नाकाम रहा है। स्क्रीन पर आप महिला की तस्वीर देख सकते हैं। महिला मंगलवार की रात बोरवेल में गिरी थी। घटना के तीसरे दिन बावनवास विधायक इंदिरा मीना घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। इसी बीच आपको बता दें कि इंदिरा मीना ने रेस्क्यू टीम व प्रशासनिक अधिकारियों से भी रेस्क्यू को लेकर जानकारी ली और जल्द से जल्द महिला को बोरवेल से निकालने की बात कही। खुदाई के दौरान बार बार मिट्टी गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है, मगर अब रेस्क्यू के लिए सभी जरूरी संसाधन मौके पर आ गए हैं और जल्द ही महिला को बोरवेल से निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। प्रशासन ने कहा कि जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। हर तरह की संभव कोशिश की जा रही है। परसों ये महिला की मुझे सूचना मिली और जब इनका कहना था कि अभी सुबह के टाइम पे गिरी है, लेकिन जब यहाँ पर जांच किया गया और इनको मालूम पड़ा कि ये तो पहले ही रात को घर वालों से पूछताछ की, उसके बाद में पता चला कि रात को ही महिला गिर चुकी थी। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने इस मैटर को विधानसभा में भी उठाया और प्रशासन से भी बात की। लगातार जब से महिला की सूचना मुझे मिली है, जब से लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ और लगातार इनकी कार्रवाई चल रही है और अब पूरे संसाधन यहाँ आ चुके हैं और दूर से आने में इनको टाइम लगा, तो इस वजह से बीच में पहले खुदा इसको चारों तरफ से खुदाई करके निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो ये संभावना बनी कि कहीं दूसरा हादसा नहीं हो जाए यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी वापस से ढह रही थी नीचे, रुक नहीं रही थी। इस वजह से अब दूसरी मशीनें मंगवाई गई है और बड़ा क्रेसिंग पाइप डालकर और उसके अंदर से खुदाई करके और ये 4-5 घंटे के अंदर उम्मीद है कि ये चालू होने के बाद में ये खोद देगी और महिला को निकाला जा सकता है। ठीक है। तो महिला को बोरवेल से निकालने का जो प्रयास है वो लगातार जारी। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों की भीड़ भारी तादाद में यहां पर आप देख सकते हैं। इंदिरा मीना घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने जायजा लिया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए अजय भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अजय क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो यही थी कि रात को ही सफलता इसमें मिलने वाली थी क्योंकि पोकलैंड मशीन ने तेजी से काम किया है और 95 फीट गहरा जो है बोरवेल के पास में 2.5 फीट की दूरी पर एक पैरेलल गड्ढा और बना दिया गया था। लेकिन वही बात है ना कि परिस्थितियां अलग अलग पल पल बदल जाती हैं इन चीजों में। तो आप देखिए कि पाइप मुड़ गए, फिर उसके बाद में अंदर टनल जो बनाई गई थी 2.5 फीट की वो टेढ़ी चली गई, यानी जहां महिला तक पहुंचना था उस टनल को वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो कई बार व्यवधान पैदा हुए हैं, बीच में लाइट का भी थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ था, फिर अलग से अल्टरनेटर बना करके और फिर लाइट की सप्लाई की गई थी। अभी उस महिला को निकाला नहीं जा सका है, लेकिन उम्मीद अब ये कर रहे हैं कि जिस तेजी से काम चल रहा है, अब टनल पे काम चल रहा है, आखिरी काम जो है आखिरी दौर का ये काम चल रहा है, टनल जो है नीचे बनाई जा रही है 2.5 फीट की,
और अब वहां एक शख्स को उतार करके ऑक्सीजन मास्क लगा करके और फिर बॉडी को निकालने का प्रयास जो है अब किया जाएगा, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये रेस्क्यू सफल हो जाएगा और महिला की बॉडी निकाल ली जाएगी। जी, क्योंकि अजय एक चीज यहाँ पर जानना ये भी महत्वपूर्ण है कि 80 से 84 घंटों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन क्या गहराई का पता नहीं लग पा रहा है कि बोरवेल की जो गहराई वो कितनी है या किस वजह से बाधा आ रही है, क्या कुछ जो दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं? दरअसल देखिए, गहराई का तो पहले ही पता चल गया था कि 95 फिट का ये बोर है, उसकी गहराई 95 फिट है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जगह जो है ना, ये स्थान जो है वो इतना इंटीरियर है और ये जमीन जो है ना वो इतनी रेतीली है। आप देखिए कि कल जिस पॉकलैंड मशीन को है, जिसको कहते हैं बॉयलर मशीन, वो जो मंगाई गई थी, वो जिस ट्रॉले में आई वो ट्रॉला फंस गया। 2-2.5 घंटे मशक्कत उसको वहां तक लाने में करनी पड़ी है प्रशासन को। तो कई परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि जिसकी वजह से बार बार व्यवधान इन चीजों में आया है। कल लोगों को उम्मीद ये जरूर थी रात को, हम भी यहीं थे रात को, कि कम से कम आज 12-1 बजे तक रात को निकाल ली जाएगी, लेकिन वही है कि कुछ पाइप टेढ़े हो गए, पाइप टूट गए और फिर टनल टेढ़ी बन गई, तो इस वजह से फिर व्यवधान पैदा हो गया। तो ये जो परिस्थितियां है ना, ये पल पल बदलती हैं इस तरह के घटनाक्रमों में। जी, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार बनी हुई है, ऐसे में एक चीज और जानना चाहूंगी कि क्या रात को भी, जैसे आपने बताया कि 12-1 बजे तक तो जारी था ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या उसके बाद रात भर भी चलता रहा और क्या ये लगातार चलता ही आ रहा है? बिल्कुल, प्रशासन ने कहीं भी इस मामले में जैसे जैसे उनको संसाधन उपलब्ध होते चले गए वैसे वैसे वो उनको यूटिलाइज करते चले गए, तो कहीं भी इस तरह की नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर परिस्थितियां बड़ी हो गई, विकट हो गई, नहीं चल पाए, विपरीत हालात पैदा हो गए, तब जरूर रेस्क्यू रोका गया। अब आप देखिए, रात भर प्रशासन अलाप जला करके, क्योंकि सर्दी का माहौल है तो अलाप जला करके बैठे रहे और पल पल निगरानी रखते रहे, सारी रात मशीन चली है लेकिन नहीं मिल पाई सफलता, क्योंकि वो जो मैंने बताया आपको कि पाइप का टूटना है, टनल का टेढ़ा होना है, उनसे थोड़ा सा अवरोध पैदा हुआ था। जी, आपका बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।